नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंटर्स के बारे में और पांचों वीडियो में से ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन आज तक लोगों के अंदर पड़ा था। भले ही प्रिंटर यूज़ करते हैं लेकिन वो सही तरीके से कन्फर्म नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअली ये इंकजेट प्रिंटर काम कैसे कर पा रहा है, और इंकजेट में भी कई सारी क्वालिटीज़ आती हैं, कई सारे मेथड्स आते हैं। तो हमें कौन सा क्वालिटी चूज़ करना चाहिए, कौन सा तरीका चूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉडल सही है, जब हम उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे तब जाकर के प्रॉपर तरीके से पता लगेगा कि हमें कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं पहले इस टाइप के प्रिंटर की, जो कि आप देख सकते हैं एचपी के सस्ते प्रिंटर्स में आते हैं। ये जो प्रिंटर होता है इसके अंदर कार्ट्रिज लगता है और कार्ट्रिज के अंदर इंक होता है। तो इसके अंदर इस टाइप के प्रिंटर में दो कार्ट्रिज लगते हैं, एक जो कार्ट्रिज होता है वो ब्लैक होता है और दूसरा जो कार्ट्रिज होता है वो कलर्ड होता है, जिसके अंदर आरजीबी कलर होते हैं, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन। तो इन चारों कलर से मिल करके कंप्लीट जो है आपको कलर प्रिंट आउट निकलता है, जिस प्रिंटर से आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक अच्छे फोटो, अच्छे इमेज को आप प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। लेकिन इस प्रिंटर में कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदे भी हैं। पहले हम नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये प्रिंटर वहां काम करता है जहां पर आप डेली के 2, 4, 10 प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर इस प्रिंटर से बहुत ही ज्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इंक फ्लैशिंग कम होता है। अगर बहुत ही बड़े बड़े प्रिंट आउट निकालना चालू कर देंगे तो इसके अंदर से इंक प्रॉपर तरीके से हेड पे नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से इस प्रिंटर में लाइनिंग्स वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रिंटर उन लोगों के लिए है जो बेसिक यूज करते हैं, या फिर ऑफिसेज वगैरह में जहां पर बहुत ही कम प्रिंटिंग की जरूरत होती है वहां पर ये प्रिंटर बहुत ही बेहतर साबित होता है। यानी 2, 4, 10 डेली का प्रिंट निकालना है तो वहां के लिए प्रिंटर बहुत ही बेस्ट है। और प्रॉब्लम्स ये है कि रिफिलिंग्स वगैरह में एयर वगैरह अगर ले लेता है तो एयर निकालने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसको आप रिफिलिंग करके चलाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्कत झेलनी पड़ती है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप नए कार्ट्रिज बार बार ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होगी। प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है इसके साथ में, क्योंकि इसके कार्ट्रिज के साथ ही इसका हेड जो है वो चेंज हो जाता है। जब भी आप कार्ट्रिज लेंगे तो कार्ट्रिज के साथ इसका हेड जो है, हेड भी न्यू आ जाता है आपके साथ में, जिससे क्या होता है कि कितना भी आपका पुराना प्रिंटर हो, जब आप उसका कलर कार्ट्रिज चेंज करेंगे तो उसके साथ ही साथ आप हेड को भी चेंज कर दे रहे हैं। तो कितना भी पुराने से पुराना प्रिंटर है, जब आप कार्ट्रिज चेंज करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल नए प्रिंटर के जैसा आउटपुट इसका मिलना चालू हो जाता है। और कार्ट्रिज से रिलेटेड दूसरा प्रिंटर जो हम देखते हैं, ये ज़्यादातर एप्सन में मिला करता था, इस तरीके का कार्ट्रिज लगता था। तो चूंकि ये कार्ट्रिज में हेड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इंक आते हैं और ये चारों जो है जाकर के उसके हेड पर लगते हैं, और जो इसका हेड है वो परमानेंटली वही होता है। तो इसके साथ में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप 1 साल 2 साल आपने यूज़ कर लिया या फिर काफ़ी प्रिंट आउट आपने निकाल लिया तो क्वालिटी थोड़ी जो डाउन होती है हेड के वजह से, तो अगर आप कार्ट्रिज चेंज भी करते हैं तो क्या होगा, आपके क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी आपकी तो हेड से बन रही है और हेड आपका हो चुका है पुराना, तो इसके अंदर आपकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी ऐसे हेड की क्वालिटी बनाई गई है कि ये जो है, जो पिछला जो एचपी का प्रिंटर है उससे बहुत ही बेहतर परफॉर्म दे पाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इसका यूज बढ़ा तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट दिया, इसके साथ में इंक टैंक एक्सटर्नल लगाने की सुविधा दिया, इंक टैंक आने लगा। तो जब इंक टैंक लगा तो रिफिलिंग करने का या फिर कार्ट्रिज चेंज करने का झंझट से मुक्ति मिल गई। अब इंक टैंक लगाने के बाद, जो कि एप्सन के किसी भी प्रिंटर में या फिर और भी जो इस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, लगभग सभी कंपनियों ने इंक टैंक देना चालू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक पाइप के जरिए जाकर के सीधे हेड पर जुड़ जाता है और यहां से इंक वो उठाता रहता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि जब आप ये इंक टैंक यूज करते हैं तो कितना भी प्रिंट आउट आप निकालते हैं, आप हेड पर कलर की कमी नहीं होती है और आप जितना मर्जी उतना प्रिंट आउट निकालते चले जाएंगे और बाद में इंक खत्म होता है तो इंक इजिली आप इसके अंदर जो है टैंक में भर पाते हैं। तो जब ये आया तो एचपी प्रिंटर का यूज बहुत ही कम हो गया, क्योंकि एचपी के कार्ट्रिज वाले प्रिंटर में बहुत सारी टेंशन हुआ करती थी, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा पड़ती थी, हम उसको रिफिलिंग नहीं कर पाते थे, जरा भी अनुभव कम है तो रिफिलिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इंजेक्शन से इंजेक्ट करना पड़ता था और इंजेक्ट करते समय जरा भी लापरवाही हुई तो नीचे एयर फंस जाता था।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स वो एयर निकालते निकालते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, प्रिंटिंग को बेहतर क्वालिटी में लेते लेते बहुत ही ज़्यादा कलर जो है ख़राब हो जाता था, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसके बाद क्या किया एप्सन कंपनी ने कि अगले प्रिंटर के साथ जो है उन लोगों ने टैंक को परमानेंटली ऐड कर दिया इसके साथ में, और उसके अंदर जो है परमानेंटली ऐसा हेड लगा दिया गया जिसके ऊपर कलर से कोई लेना देना नहीं होगा, और इस टाइप का टैंक उसके साथ में जो आप देख सकते हैं उसके साइड में लगा हुआ है जिसके अंदर CMY के चारों कलर्स लग जाते हैं और उसका पाइप जाकर के सीधा हेड से अटैच हो जाता है। तो जब ये प्रिंटर आया मार्केट में तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि कॉस्टली तो था लेकिन HP के उस प्रिंटर से, उस कार्टेज से लोग इतने परेशान हो चुके थे कि लोगों ने बिल्कुल दिल खोल करके इसको सपोर्ट किया और अपनाया, क्योंकि ये बिल्कुल तहलका मचा दिया प्रिंटिंग की दुनिया में। क्योंकि एक नॉर्मल आप आज के डेट में मार्केट में अगर आप जाएं तो मैक्सिमम शॉप पर आपको एप्सन प्रिंट इंकजेट इस तरह का इंकटेक वाला आपको मिल सकता है। इसके अंदर क्या है कि आप रिफिलिंग बहुत ही इजीली हो गई क्योंकि रिफिलिंग का कोई टेंशन नहीं है, सीधा टैंक को पलटते हैं, उसका ढक्कन खोला और जो भी कलर से आपने उसके अंदर डाल दिया उसके बाद से वहीं से वो कलर हेड पर उठाता रहता है और आप जितना भी मर्जी प्रिंटिंग करेंगे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं होता, वो कलर अपने आप उठाता है, हेड क्लीनिंग वगैरह सब कुछ अपने आप करता रहता है और इतनी जल्दी हेड की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो अलग चीज़ है कि इनिशियल कॉस्टिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी लेकिन प्रिंटिंग कॉस्टिंग जो है काफ़ी कम होती है अगर कंपेयर किया जाए HP के कार्टेज प्रिंटर से, तो ये बहुत ही बेहतर प्रिंटर माना गया। अब हम देखते हैं आगे ये एक्चुअली वर्क करता कैसे है, तो इसको हम एक एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से कैसे काम करता है। एक्चुअली जो हेड होता है, हेड के नीचे नोजल होता है काफ़ी सारे और उसी नोजल से इंक जो है निकलता है। थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे एनिमेशन तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रिंट करता कैसे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हेड है, हेड को जूम किया जा रहा है, जूम करके देखा जा रहा है कि वो किस टाइप से प्रिंटिंग को करता है, किस टाइप से इंक को पेपर पर फ्लो करता है। तो आप थोड़ा सा आराम से देखेंगे इसको तो प्रॉपर तरीके से दिखेगा, इसीलिए मैंने इसको स्लो मोशन में लेकर के चला हुआ है। अब आप देख सकते हैं जूम होता जा रहा है, काफी जूम करने के बाद एक एक आपको जो है ड्रॉप पैनल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से उसके अंदर ड्रॉप निकलता है और वही ड्रॉप जाता है पेपर पर, और यहाँ से ड्रॉप को जो है पास करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है एक चैम्बर वॉल्स बना होता है, जो वहाँ पे एक रजिस्टर्स होता है, वो रजिस्टर्स होता है जो हीट होने के बाद इंक को फ्लो करता है नीचे की तरफ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे हम सिग्नल देंगे उसको ऑन होने के लिए, वो हीट होगा और नीचे की तरफ बबल्स को पुश करेगा और तब जाकर के वो जो है पेपर्स पे आता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे वो किस तरीके से आ रहा है जस्ट अभी पेपर पर। मैंने थोड़ा स्लो किया है ताकि आप इसके एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। आप देख सकते हैं एक मेन ड्रॉप होता है और उसके ऊपर एक छोटी बूंद आती है जिसको सैटेलाइट ड्रॉप बोलते हैं, जो दोनों आसपास में गिरती हैं और कलर को जो है बेहतर शैडो बनाने के काम आती हैं। जो आप देख सकते हैं ये पेपर पे आ चुका है, एक ये जो ड्रॉप हो गया, दूसरा सैटेलाइट ड्रॉप हो गया और फिर कुछ ही नैनो सेकेंड के अंदर जो है ये दोनों ड्रॉप आपस में मिक्स होकर के और पेपर पे जो है ग्रेडियंट को बना लेते हैं विधिवत तरीके से। जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये आकर के पेपर पे फैल गया। तो ये तरीका होता है इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट करने का। इसको थोड़ा सा विधिवत तरीके से समझने के लिए, जितने भी वॉल्स होते हैं, जो बबल्स होते हैं इसको सेंड करने के लिए नीचे एक एलिमेंट्स होता है उसके ऊपर जस्ट, और एक जो है वाइब्रेशन प्लेट होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि एलिमेंट में जब हम करंट देते हैं तो वो हीट होता है, हीट होने के बाद जो है उसको पुश करता है, स्पंज होता है। तो ये बार बार जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये एक सेकेंड के अंदर 40,000 बार ये प्रक्रिया चलती है। तो इतना फास्ट ये वर्क करते हैं और तब जाकर के जो ड्रॉप होता है वो पेपर्स पे आते हैं और जाकर के कंप्लीट ग्रेडियंट बनाते हैं और एक प्रिंट को जो है प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे पाते हैं। तो ये सारे बबल्स मिलकर के, ये सारे जो है डॉट्स मिलकर के ये जो है एक प्रिंटिंग को जनरेट करते हैं, इस तरीके से प्रिंट आउट होकर के सामने आपके आ जाता है। तो इस तरीके से प्रिंटर काम करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इंकजेट प्रिंटर एक्चुअल कैसे काम करता है, वो कैसे प्रिंट करता है, ये आपके समझ में आ चुका होगा प्रॉपर तरीके से। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, इसके अगले भाग में हम लोग बात करेंगे कि इंकजेट प्रिंटर का कौन सा मॉडल सही होगा, हमारे काम के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।